हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लेक्सिका ऑडियो एडिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लेक्सिका ऑडियो एडिटर में आप देखिए कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं, बोला तो नहीं हैं और वीडियो नहीं मतलब कि ऑडियो एडिट कर सकते हैं। तो इसे ओपन विद फाइल मैनेजर में कर दे रहा हूँ। पहले आप शुरू से देखिए, ठीक है, तो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसमें जाता हूँ ओपन में। ओपन में जाने के बाद यहाँ पर ओपन विद फाइल मैनेजर लिखा हुआ है, इस पर उसके बाद सॉन्ग सिलेक्ट करना जहाँ पर भी आपका है। उसके बाद ये 2-3 सेकंड का टाइमिंग लगेगा, उसके बाद ये टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट में जाना। अच्छा, हमको सिखा रहा है ना, उसके बाद नॉर्मलाइज पहले कर देना आपको। नॉर्मलाइज करने में आपको मात्र 2-3 सेकंड का फिट से टाइम लगेगा। फिर उसके बाद इफेक्ट में जाना है, उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर इक्वलेशन एंड एम्पलीफायर का ऑप्शन दिखेगा, तो यही वाला सेम सेटिंग आपको अप्लाई करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे थोड़ा सा डाउन या अप कर सकते हैं, जिससे आपका क्रिस्प वॉइस में अच्छा आ जाएगा। तो ये मेरा मेन सेटिंग है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू, और अब अप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर ये कुछ टाइम का सेकेंड का टाइम लेगा, उसके बाद आपका ये जो है रेडी हो जाएगा। तो रेडी होने के बाद फिर आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। ऐसे होने देना है और हो रहा है तो लोडिंग हो रहा है तो होने दे रहे हैं। होने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो ये देख सकते हैं, A few moments later. सकते हैं मेरा हो चुका है और फिर मैं इफेक्ट में जाऊँगा। उसके बाद फिर आपको एक चीज़ करना है, नॉइज रिडक्शन। नॉइज रिडक्शन का भी यही सेम सेटिंग आपको अप्लाई करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत इधर करना तो ये इसको कर सकते हैं, बाकी आप रेट को ही सिर्फ छेड़छाड़ कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। 70 या 80 पे रखना है, तो मैं रख देता हूँ 72 पे और अप्लाई कर देता हूँ। तो इसमें भी आपको मात्र 2-3 सेकंड का टाइम लगता है या फिर आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद आपका जो वॉइस है एकदम क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगा, जैसे मेरा भी आ रहा है। से भी आपका अच्छा हो सकता है, मैं तो डायरेक्ट स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा उतना खास नहीं है, बट फिर भी है। और अगर आप माइक वाइक यूज करते हो तो उसके बाद तो इसमें आने के बाद आपका वॉइस जो है एकदम प्रोफेशनल के जैसा हो जाएगा। आप इसे जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप भीड़ भाड़ा वाले इलाके में रहते हो तो आपके लिए ये ऐप बहुत ही अच्छा है। तो बात तो सही है ऐसा होने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको इसका जो नाम देना वो दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ POK, वो क्लिक देता हूँ, डन कर देता हूँ। उसका सेव विद फाइल मैनेजर करके यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ये सेव हो जाएगा तुरंत। उसके बाद फिर आप इसे काइन मास्टर में जा करके मर्ज कर लीजिएगा और फिर इसे आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।